दूसरों की आप मदद करते हैं वो बीमार है उसको हेल्प आउट करते हैं तो यकीन आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि ये भी मेरी मदद करें या आप रास्ते में चलते किसी की हेल्प कर देते हैं फाइनेंशियल हेल्प कर देते हैं तो आप इससे ये उम्मीद नहीं रख रहे खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है हम आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं तो हम ये बिल्कुल सोच नहीं रहे होते कि कल को ये हमारे साथ क्या कर रहे होंगे ये ऑल्ट्रोज़म ऐसा जज्बा है जो आप दूसरों की भलाई के लिए बगैर किसी रिवॉर्ड के करते हैं सो so, एक तो रेसी प्रोकलीस्टिक एक्ट अब देखिये के नॉम हैं की एक रिवायत है कि यहाँ जब एक एक सेहतमंद माशरे की रिवायत यह है कि जहाँ किसी को मदद की जरूरत हो जो अफराद कमजोर हैं जिन अफराद को दूसरों के जितने वसायल मुहैया नहीं हैं बाकी मुआरा उनकी मदद करता है तो ये ऑल्ट्रोस्टिक बिहेवियर रेसी प्रोकल इस तरह से हो सकता है कि भाई आज अगर कोई एक मजबूर है तो दूसरे वक्त में वो भी हो सकता है आज किसी को मदद की जरूरत है तो दूसरे वक्त में वो भी हो सकता है सो so, ये एक नॉर्म बन गया है और इसको पसंद किया जाता है ये एक एथिकल और मॉरल वैल्यू है कि आप जहाँ कहीं किसी को मदद चाहता हुआ पाएं उसकी मदद करें और ये सोचे बगैर करें कि कल को वो आपके साथ क्या मदद करेगा लेकिन हकीकत यही है कि अगर एक ऐसा मुआशरा पूरा तश्कील पा जाता है तो फिर लोग एक दूसरे की मदद खुद खुद करते हैं देन क्राइटेरिया फॉर ऑल्टुजम तो हम देखते हैं कि ऑल्टूज़म कब करना है कहाँ करना है सो so, जैसे हमने पीछे जिक्र किया कि हम कोई भी अच्छाई या बुराई आइसोलेशन में या अकेले में नहीं करते बल्कि उसमें हमारे कॉग्नेटिव प्रोसेस भी हैं अफेक्टिव प्रोसेस भी हमारे काम करते हैं फिजिकल रिसोर्स या फिज़िकल केपेबिलिटीज़ भी काम करते हैं अब कुछ ऐसी भलाइयाँ हैं मसलन हम अपनी कौम के लिए मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते लेकिन हमारे वसाइल महदूद होते हैं हम कोशिश करते हैं अपने आप को ठीक करने की वो हम कर सकते हैं लेकिन आप पूरे माशरे को दुरुस्त नहीं कर सकते हमारे वसाइल नहीं है हमारी एक्सेस नहीं है एबिलिटीज नहीं है सो हमारे कॉगनेटिव प्रोसेस वहाँ आके लिमिटेशन जो है वो महसूस करेंगे देन साइको एनालिटिक एंड ऑफ थे अब देखिए जैसे हमने अर्ज़ किया कि दूसरे को हिस्सा देना दूसरे को साथ शेयर करना दूसरे की मदद करना ये ऑल्टूज़म के फीचर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो अब ये करें हमारे थेरिस्ट ये कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे बिल्ड कर जाती है। बन जाती है कि या तो आप अपने साथियों की मदद करके खुश होते हैं या फिर खुदा न खास्ता आप उनको तकलीफ दे के खुश होते हैं तो ये जो पर्सनैलिटी आपकी बन जाती और मजे की बात यह है कि अगर किसी बच्चे को शुरू में आप बार बार मदद दें और उसको खुशी मुहैया करें और उसको हर तरह से अप्रीशिएट करें उसको इंक्रेज करें उसकी अहमियत समझें तो आने वाले दिनों में वो एक ऐसा बालक बनेगा जो इसी तरह दूसरों में खुशियाँ और मोहब्बतें बाँट रहा होगा लेकिन अगर शुरू में उसके साथ ज्यादतियाँ की जाएँ उसको परेशान किया जाए उसको टॉर्चर किया जाए उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाए तो आने वाले दिनों में उसके अंदर एक इंतकामी जज्बा जन्म लेगा जो उसको मुशरे का मुफीद रुकन नहीं बनने देगा सो एम्पेरिकल साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन ऑल्ट्रोज़म ऐसी बहुत सी रिसर्च हुई जिनकी फाइंडिंग्स हमें पता चली हैं और ये कहते हैं कि ये हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बड़े हेल्पफुल होते हैं कहीं भी कोई मसला हो कोई परेशानी हो वो भाग के उसकी मदद को आते हैं कुछ इनडिफरेंट होते हैं कि भाई अच्छा हमारा इससे लेना देना क्या अगर किसी को कुछ हो रहा है तो होने होने दो और कुछ तीसरी स्टेज पे होते हैं जो आ, किसी को तकलीफ दे के खुश होते हैं वो किसी को परेशान करके खुश होते हैं तो याद रखिए इसके पीछे वो सारे रवैये हैं जो शुरू से उनके साथ आ रहे होते हैं। अगर उनकी शख्सियत इस तरह से बनी कि उनको हेल्प आउट किया गया उनकी मदद की गई जब कभी उनको ज़रूरत थी उनकी ज़रूरत पूरी की गई तो वो भी इसी तरह के शख्स बनते हैं अगर उनको इग्नोर किया गया तो वो भी इग्नोरेंट बनते हैं और अगर उनको टॉर्चर किया गया तो वो दूसरों को तकलीफ़ दे के खुश होते हैं सो हाईकी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ ऑल तो ह्यूमन रिलेशनशिप में हमारी मदद की उनकी उनके लिए कुर्बानी देने की सलाहियत तरीकों से हमारे मैार अलग अलग हैं हर है की यह है कि देखें सबसे पहले मैं अपने नियर और डियर वंश जो सिग्निफिकेंट वंस हैं मेरे वालदे हैं घर में आपकी फैमिली है बच्चे हैं इन सारे लोगों को सबसे पहले आप तवज्जो देते हैं और उनकी परेशानी आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती उसके बाद फिर आपके रिलेटिव हैं आपके नेबर्स हैं या आपके बड़े कोई डियर फ्रेंड्स हैं जिनकी परेशानी आपको तकलीफ देती है और उसके बाद कुछ अजनबी फिर उसके बाद वो लोग जो आपके दुश्मन या आप उनको समझते हैं कि वो हमारे दुश्मन तो जितना ज़्यादा मजबूत रिश्ता होगा रिश्तों की भी तो हरकिज़ है ना जितना ज्यादा मजबूत रिश्ता होगा उतना ज़्यादा आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा उभर के सामने आएगी तो खास तौर पे कोई शख्स अपनी माँ के लिए या माँ अपने बच्चे के लिए सबसे ज्यादा ऑल्ट्रोइिक होती है और वो बहुत भला कर रही होती है ये सोचे बगैर कि कल को इसको इसका दोबारा अजर मिलेगा या नहीं